हे गाइस, आई एम प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्पाइसेस। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ रही हूँ ग्रीन चटनी, जो कि बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में उतनी ही मज़ेदार। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तरह की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बंच हरा धनिया लिया है। इसमें डाल देंगे हम जार में। कुछ पुदीने के पत्तियाँ ली है। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब जो लास्ट चीज है वो हम चटनी में ऐड करने वाले हैं, वो है दही। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच दही। दही डालने से चटनी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और चटनी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो आप दही ज़रूर डालें चटनी में। तो आप देख सकते हैं कि चटनी का कलर कितना अच्छे से चेंज हो चुका है और दही से इसमें खट्टापन भी आता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से चटनी बनाकर रेडी कर सकते हैं और पराठे, कचौरी, समोसे या किसी भी चीज़ के साथ में इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।